गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वील डिस्कस अबाउट दिस स्फिनॉइडल साइनसिस दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ पैरानाइजल साइनस इन डिटेल बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन में लोकेटेड है फिनोइडल साइनस एज द नेम सजेस्ट दो टाइप के होते हैं आई मीन बाइलेट्रल होते हैं वन फॉर द राइट साइड नदर फॉर द लेफ्ट साइड बीच में इनके इनको सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम है साइज में अनईक्वल है

तो सुपीरियर जो कौका है उसके ऊपर जो एम टी स्पेस है दैट इज द स्फिनो एथेमॉयल रीसेस और उसमें ओपनिंग होती है स्फिनॉयडल साइनस की दिस इज फिनोइडल साइनस दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्फिनोइड साइनस इन टू द स्फिनो ऐमोइड रीसेस ये हमने डिस्कस किया था वैन वी स्टडीड द लेटरल वॉल ऑफ द नोस रिलेशंस जहाँ तक रिलेशंस की बात है स्फिनोड साइनस सुपीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू द ऑप्टिक काजमा एंड द हाइपोफाइसिस सेरेब्राइट ऑप्टिक कायजमा बेसिकली एक एक्स शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है जब दोनों ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन दैट इज नोन एज ऑप्टिक हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिसाई इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है लेटरली द स्फिनॉइड साइनस इज रिलेटेड टू द इंटरनल कैरोटेड आर्ट्री एंड द कैवर्नस साइनस कैवर्नस साइनस जो हैं बेसिकली दिज आर द ड्योरल वेनस साइनस और ये वो साइनस हैं जो कि ब्लड रिसीव करते हैं फ्राम द सेब्रल व सी एस एफ रिसीव करते हैं और फाइनली उनको एम टी कर देते हैं इन टू द इंटरनल जुगुलर वेन और

And superior, which relations, are this is the uh, pituitary gland or the hypophysis cerebri, and this is the this is one part of the optic chiasma. This is the mid sagittal section, and this is one part of the optic chiasma, and this is the pituitary gland. In this figure, you can see uh, this is optic chiasma. This is how the optic nerves cross and they form this X-shaped structure. Uh, on both the sides, that is laterally the sphenoid sinus, they are related with the cavernous sinuses. This is the pituitary gland superiorly. This is optic chiasma. This is uh, pituitary gland or hypophysis cerebri, and this is the cavernous sinus on both sides, and this is the sphenoidal sinus. This basically is a coronal section taken from the cavernous sinus. In this figure, you can see these two are the sphenoidal sinus in between the septum that separates them and superiorly, you can see the pituitary gland and also the optic asthma. Arterial supply is uh, internal carotid artery and the posterior ethmoidal artery. विच इज़ अगैन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोटेड आर्ट्री उसको सप्लाई जो है बेसिकली इंटरनल कैरोटेड आर्ट्री से मिलती है एंड जो स्कल बोन है उसके इंटीरियर साइड में ही ये एस्फेनोइड बोन प्रेजेंट होती है और इंटीरियर को जो आर्टरी सप्लाई करती है दैट इज द इंटरनल कैरोटेड सो इंटरनल कैरोटेड एंड वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोटेड दैट इज ऑफ्थेलमे आर्ट्री और उस ऑफेलमे आर्ट्री की ब्रांच है पोस्टीरियर एथाम आर्ट्री वेनस ड्रेनेज इज इंटू द टेरेगॉइड वेनस प्लेक्सिस एंड दस साइनस सो यार यू कैन सी दिस इज द स्फिनल साइनस दिस इज दपथेलमिक आर्ट्री और ये ब्रांच देती है पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्ट्री जो इस साइनस को भी सप्लाई करती है एंड दिस इज द इंटरनल कैरोटर आर्ट्री तो ये दोनों आर्ट्रीज मेनली इसस को सप्लाई करती हैं एज फार एज द लिम्फेटिकज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ये पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड है तो लिम्फैटिक्स जो है दैट इज द रिट्रो फेरेंजल लिम्फनोट्स एंड द नर्व सप्लाई इज बाई दिगोपेलाटाइन गैंगलियन लोकेटेड इन द टेरिगोपेलाटाइन फोसा उसकी ऑर्बिटल ब्रांचेज एंड द पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व ये दोनों इसकी नर्व सप्लाई हैं क्लिनिकल अगर बात करें क्लिनिकली तो स्विनोइडल साइनस अगेन इसमें भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड बिकॉज इसकी रिलेशंस केवरनस साइनस से है तो इट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इट कैन लीड टू केवरनस साइनस थ्रोम्बोसिस और सो दिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन दैट द इन्फेक्शन ऑफ स्फिनोइड साइनस माइट क्रिएट दैट्स ऑल अबाउट दैरानेजल साइनसिस वी कम टू एन एंड Of the paranasal sinuses. We have discussed all the sinuses, their gross anatomy, and the clinical conditions related with them in detail. Thank you so much.